देखिए एक बार आपका फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो कल हम आपको इंटर में पढ़ा रहे थे आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन करना। तो उसी के अगले क्रम में आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर का दूसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा है इंटीग्रल 1/2x² + x - 1 dx। तो मैंने आपको ये बताया था कि यदि हर में कोई फैक्टर आपका दिखाई दे रहा है तो उसके गुणनखंड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? इसके गुणनखंड कर लीजिए। तो आपका हर में दिया है 2x² + x - 1, तो इसके आपको फैक्टर करने पड़ेंगे कि 2 × 1 = 2 और 2 में से 1 बचा। तो फैक्टर आप लोग अलग साइड से कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं आराम से। जो बच्चे हमारे नहीं जानते हैं वो आराम से कर सकते। तो 2x² 2 × 2, तो 2x - x - 1, 2x² + 2x, 1 में क्लोज कर दिया, माइनस कॉमन लेके 1 में बंद कर दिया, 2x कॉमन आ गया, x + 1 बचेगा, -1 x + 1, x + 1 कॉमन आ गया, तो 2x - 1। तो ये तात्पर्य कहने का हुआ कि हमने इसे हर के फैक्टर किए तो हमारे ये 2 ब्रैकेट बन गए। तो इसे आप ऐसे आराम से कर सकते हैं। अब हमसे ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रल 1/(x + 1) और 2x - 1 dx। क्यों? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यदि आपका हर में कोई फैक्टर दिया है तो उसके गुणनखंड आपको करने पड़ेंगे। अब इसमें क्या है कि ये हमने ऐसे तोड़ दिया है, अब इसे आंशिक भिन्नों में कैसे करेंगे तो उसको आप लोग देख लीजिएगा कि हम कैसे आंशिक भिन्नों में प्रयोग करते हैं। तो कल मैंने बताया था ए बटे ये हो जाएगा धन बी बटे हमारे ये हो जाएगा कुछ। तो अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब इसे हम क्या करें कि आंशिक भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए 1/(x + 1) और 2x - 1 बराबर आंशिक भिन्न में a बटे पहला ब्रैकेट धन b बटे दूसरा ब्रैकेट और 2x - 1। ये हमारा आंशिक भिन्न है तो इसे मान लें सही नंबर 1 मान लें। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे हल करते हैं। क्या करते हैं? हल करते हैं लासा समीकरण। तो लासा हमारा दोनों ब्रैकेट आएंगे, ये आप इधर आ गया a 2x - 1 धन b x + 1, ये हमारा हल कट गया दोनों तरफ से। तो क्या बचा? 1 = a, एक अंदर हम लोग गुणा कर देते हैं। तो अगर 2ax - a + bx + b, ध्यान रखिए कल मैंने आपको इसमें x का मान रख करके बताया था, आज मैं इसके अंदर गुणा करने के पश्चात तब a और b के मान कैसे निकालते हैं उसके द्वारा बताऊंगा। तो ये आप देख लें और समझ लें, इसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो हम इसमें गुणा भी अंदर इसमें गुणा किया जाए तो आपका हो जाएगा कि 1 = 2ax, इसका अंदर गुणा किया -a + bx + b, bx इसका अंदर गुणा किया। कल मैंने आपको बताया था x का मान -1 रख के बी शून्य हो जाएगा तो 1 मान आ जाएगा। आज मैं आपको इसके अंदर गुणा करके तब ए और बी के मान कैसे निकालते हैं वो दिखाऊंगा। अच्छा, हमने इसका गुणा कर दिया है, अब क्या करते हैं कि x के सबसे बड़ा गुणांक देख लें, यानी x की सबसे बड़ी पावर या कितनी है? 1 है। अगर 2 होती तो x से गुणांक 2 लेने पड़ते, फिर 1 लेना पड़ता, फिर अच्छा था। यह क्या है? अकेली x है तो लिखेंगे x के गुणांक लेने पर, x के गुणांक लेने पर दोनों तरफ के।
इधर नहीं है गुणांक तो शून्य बराबर ये हो गया 2a और प्लस का b, ये बन गया आपका सवाल नंबर दो। अब लेंगे x हो गया आपका, अब क्या आएगा आपका अचरपद आएगा, अचरपद क्या है एक बराबर माइनस का a प्लस का b। अब समीकरण दो और तीन को कक्षा आठ की तरह हल करेंगे, ए और बी के मान निकाले जाए तो हम वहां पर किसी एक संख्या को बराबर करते हैं तो बी हमारा बराबर है, समीकरण दो में से एक को घटा दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो समीकरण दो में से समीकरण तीन को घटाने पर, तीन को घटाने पर घटाइए दो में से, तो दो दिया है कि 2a प्लस बी बराबर जीरो और ये दिया है माइनस का a प्लस का b बराबर एक, घटाएंगे तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का कट गया, तो 3a बराबर माइनस एक, a बराबर माइनस का मतलब कौन 3, a का मान हमारा आ गया माइनस का 1/3 आ गया, ए का जो हमारा मान आया है वो कितना आ गया है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 ए का मान आ गया। यदि ए का मान यहाँ पुट कर दिया जाए समीकरण दो या तीन में किसी एक में से तो बी का मान निकल आएगा, तो समीकरण नंबर तीन में पुट किया जाए, कहा करते हैं समीकरण तीन से, तीन क्या हमारा कि माइनस का a प्लस का b, a a का मान माइनस का 1/3 माइनस का प्लस का हो गया, देन b बराबर 1 और b बराबर 1 माइनस 1/3, तो b बराबर 3 × 3 तो 2/3। हमारे a और b के मान हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो a और b के मान हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि दो समीकरण बराबर हैं और आप उनके गुणांक ले लें, अगर x है x का आएगा दो गुणा दो होती तो x स्क्वायर आते, तीन होती तो q के आते, फिर स्क्वायर के आते, फिर x के आते, तो a और b का मान इसमें निकालना अनिवार्य होता है। मैं तो वही आपका लाशा लिया, ये हमारा इतना बचा, इसका हमने गुणा कर दिया, ये आ गया x के गुणांक लेने पर एक हमारा ये बन गया समीकरण। अब अचल पद आएंगे, एक ये बन गया, इन दोनों को हल करके a और b के मान निकालने, पुरानी बात है। अब a और b के जो हमने मान निकाले हैं वो हमें कहां पुट करने हैं, समय नंबर एक, इसे हम क्या मान लें समय नंबर एक मान लें। अब ये निश्चित हो गया कि हमें a और b के मान निकाल लिए, और a और b के मान समय नंबर एक में रखने पर तो इस प्रकार आप वैल्यू निकालना सीखे और वैल्यू निकालने के पश्चात आप आंसर लगा सकते हैं। अब आप लोग देखेंगे कि हमारा समय नंबर एक कहां पर है, ये दिया गया है 1/x+1 और 2x-1 बराबर a/x, a का मान डायरेक्ट होते हैं माइनस का 1/3 और कोष्टक दिया गया आपका दम b, b का मान दिया है 2/3 और कोष्टक में दिया है 2x-1 दिया है आपका, ये मान रख दिया हमने a और b का। अब a और b का मान रख दिया है तो हमारे यहां से भिन्न में, अब हम क्या करेंगे इसका, हम करेंगे इंटीग्रल, अब क्या करेंगे इंटीग्रल को यहाँ चिन्ह लगा दें इंटीग्रल का और dx लगा दिया और यहाँ भी लगा दिया dx लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया dx लगा दिया, क्योंकि हमारा यही तो क्वेश्चन था कि 1/(x+1)(2x-1) बराबर इतना a और b के फलन था और इसका हमें इंटीग्रल कैसे करना है, तो देखिए आप लोग माइनस का 1/3 बाहर निकाल लिया तो 1/(x+1)dx+2y3
इंटीग्रल 1 अपॉन 2x माइनस 1 dx। ये को t माना जाए तो 1 अपॉन t हो जाएगा आपका, क्यों x होता dx dt। अगर किसी ने सादा पोस्ट कला कुछ और दिया है उसे मान लीजिएगा, इसे माने ये मान क्या होगा, जैसे क्या होगा x का सुनवा t मान लिया, माना के इसका हो गया dx बराबर dt हो गया, यहां मानिए उसको भी मान लिया कि 2x माइनस 1 बराबर t, तो 2dx बराबर dt, x dx बराबर dt अपॉन 2, तो यहां dx की जगह dt अपॉन 2 आएगा और यहां dx की जगह dt आएगा। अब सवाल पे आप आइए, माइनस का 1 अपॉन 3 इंटीग्रल 1 अपॉन t dt प्लस 2y3 dx कितना आएगा 1/2, बाहर निकाल लिया 1.t dt माना कट गया 1.t log t प्लस 1/3, ये भी log t हो गया, log t का मान 2x माइनस 1 हो गया, 1/3 हमारा कॉमन आ गया। लॉग 2x माइनस 1 ये धन का संख्या लिखते पहले, ये माइनस का बाद में आपका आ गया, लॉग x प्लस 1 और लॉग m माइनस n आपका हो गया, ये हो गया 1.3 लॉग 2x माइनस 1 बटे x प्लस 1 प्लस c। तो कुल बात ये मिला के हुई कि हमको a और b के मान निकालना चाहिए और a और b के मान निकालने के पश्चात यहाँ रख दे उसका कर दे इंटीग्रल और आपका आंसर आ जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन था, इसी को लेके ये आपका प्राप्त हुआ, हमने 1.3 log t और आपका वैल्यू आपके सामने है, तैयार है। इस प्रकार से याद रखिए कि यदि हल में गुणनखंड बनता है तो उसका आपको फैक्टर करना ही पड़ेगा, आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका क्वेश्चन नंबर 3 जगह है, इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस का x क्यूब dx। यहाँ देखा जाए इंटीग्रल 1 अपॉन इसे ऐसे लिख सकते हैं, x कॉमन आ गया तो 1 माइनस का x स्क्वायर dx, ये हमारा बन गया फैक्टर बन गया, तो 1 अपॉन x एक में जोड़ दिया एक में घटा दिया, ये आपका बन गया, ये हमने इसका फैक्टर हो गया ए धन बी और ए माइनस सी। इस प्रकार इसके हम फैक्टर कर सकते हैं और फैक्टर करने के बाद तब आंशिक भिन्नों तोड़ेंगे। अब देखिए आंशिक भिन्नों कैसे तोड़ेंगे, एक्स एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 1 प्लस एक्स है 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, तो वही आपका है ए बटे एक्स आपका आ जाएगा, धन बी बटे एक्स 1 प्लस एक्स आपका आ जाएगा, धन एक और है तो सी बटे 1 माइनस एक्स आपका आ जाएगा। अब इसे आराम से हल करिए, तो हल कैसे करेंगे, लासा लेना पड़ेगा, देखिए लासा आपका आ गया, एक्स भी आ गया 1 प्लस एक्स भी आ गया और 1 माइनस एक्स भी आ गया, तो ए के लिए ये आपका कट गया, ये दोनों आएंगे तो 1 प्लस एक्स भी आएगा और आपका 1 माइनस एक्स भी आएगा, धन बी के लिए ये कट गया तो ये दोनों आएंगे एक्स भी आएगा और 1 माइनस का एक्स भी आएगा, धन सी के लिए ये कट गया तो एक्स भी आएगा और 1 प्लस एक्स भी आएगा। और ये हमारा प्रत्येक में कटेगा,
तो हमारा क्या बचा, वन बराबर इसका आपस में गुणा किया जाए तो हो जाएगा ए वन माइनस का एक्स हो जाएगा, इसका आपने गुणा किया जाए तो हो जाएगा बी एक्स, एक में बी एक्स आ गया, यहां करेंगे तो आ जाएगा बी एक्स इसके आपका आ जाएगा, और सी एक्स करेंगे तो आ जाएगा सी एक्स आएगा, और धन का सी एक्स इसके आएगा। ठीक है, तो इसका हमें अंदर गुणा करने पर इसका अंदर गुणा किया जाए तो वन बराबर ए माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का सी एक्स स्क्वायर। ये हमारा पहला समीकरण ये वाला होता है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ x की पावर सबसे बड़ी दो है तो x की पावर दो के गुणांक लेने पर x का दो के गुणांक लेने पर या तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर इधर हमारा है नहीं तो शून्य मान जाएगा, इधर है माइनस का ए है माइनस का बी है और प्लस का सी, ये बन गया दूसरा। अब आएंगे एक्स के गुणांक आपके आएंगे, एक्स गुणांक में क्या होगा, यहाँ नहीं है शून्य हो गया, इधर आपका है बी है बी आपका आ गया और प्लस का सी है तो सी आ गया, तो तीसरा आपका बन गया। अब क्या लेंगे, अचल पद लेंगे, अचल पद में क्या है कि एक बराबर एक है ना, ए है आपका दिया गया है और ए दिया गया केवल आपका ए तो है और कहीं ये अचल है नहीं आपका, तो ए तो ए का मान आपका डायरेक्ट आ गया वन आ गया, ए का मान आपका डायरेक्ट वन आ गया, और जब ए का मान दो में रख दे तो बी प्लस सी में एक ये आपका बन जाएगा समीकरण, एक ये आपका है ही है तो बी और सी के मान हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं निकाल निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ वैल्यू रख दी जाए तो ए का मान रख देंगे वन आ गया तो माइनस का बी प्लस सी बराबर माइनस माइनस का है तो धन का हो जाएगा, इन दोनों को हल करके बी और सी के मान निकाल लो, ए बी सी के मान आने के बाद आप यहाँ लगा दे और उनका वन अपॉन एक्स लॉग हो जाएगा, ये भी लॉग हो जाएगा, ये भी लॉग हो जाएगा, आप आराम से चेक कर सकते हैं। तो ये आपको घर से करना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमारे बच्चे सेव करें तो अच्छी बात होगी। ठीक है, आज आपको इतना ही कराएंगे कि आप ए और बी सी की मान निकालें या पुट करें अपना हल करें। तब तक के लिए धन्यवाद।